राज्यपाल कोशियारी पर भड़की सुप्रिया सुले, बोली रामदास नहीं थे शिवाजी के गुरु। तो इसको लेकर एक इशू हम लोग को न्यूज़ में जो है वो देखने को मिल रहा है, बट मेनली आपको थोड़ी सी चीज़ जो है वो रामदास जी के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल B.S. कोशियारी, इनके द्वारा समर्थ रामदास पर हाल ही में की गई एक टिप्पणी पर कई राजनेताओं ने अपनी असहमति व्यक्त की है। राज्यपाल ने एक समारोह के दौरान समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताया था। तो हुआ यह है कि बेसिकली एक पॉलिटिकल टसल हम लोग को समर्थ रामदास जी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। समर्थ रामदास को संत रामदास या रामदास स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए ये रामदास जी के ऊपर जो है वो होना चाहिए कि समर्थ रामदास जी जो है वो कौन थे। तो यह एक भारतीय मराठी हिंदू संत, कवि, दार्शनिक, लेखक और आध्यात्मिक गुरु थे। मराठी हिंदू सेंट थे, पोएट थे, फिलोसोफर थे, राइटर थे और स्पिरिचुअल मास्टर थे। हिंदू देवता राम और हनुमान के भक्त थे ये, और पहले नारायण के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म वर्तमान में महाराष्ट्र के जालना जिले के जांबा नामक एक गांव में हुआ था, राइट। और इनके लिटरेरी वर्क की बात करें, साहित्यिक कृतियों की बात करें, तो इसमें करुणा, करुणाष्टक, दासबोध, युद्ध कांड, सुंदर कांड, पूर्वार्भ, अंतर्भाव, चतुर्थ मन, आत्मा राम, पंचमन, पंचस मासी और मन पंचक, जन स्वभाव गोस्वी आदि शामिल है। तो ये सब इनके लिटरेरी वर्क हैं, साहित्यिक कृत्य हैं, राइट, इनसे रिलेटेड। और रामदास जी ने 19वीं और 20वीं सदी के कई भारतीय विचारकों, काफ़ी सारे इंडियन थिंकर्स, इतिहासकारों यानी कि हिस्टोरियंस और समाज सुधारों यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया है, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, राजवाड़े, केशव हेडगेवार और रामचंद्र रनाड़े शामिल थे। तो काफ़ी सारे ऐसे 19th और 20th सेंचुरी के इंडियन थिंकर्स, हिस्टोरियन, सोशल रिफॉर्मर शामिल थे जो कि रामदास जी की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को रामदास जी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ही कि रामदास जी कहाँ से एसोसिएटेड हैं, किस क्षेत्र से, तो महाराष्ट्र बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। मेन चीज़ इस पर फोकस करना है, ये पोएट, फिलोसोफर, राइटर, स्पिरिचुअल मास्टर थे महाराष्ट्र के। तो ज़्यादा से आपसे पूछा जाएगा तो ये स्टेट से रिलेटेड ही चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो इनसे रिलेटेड महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो मेन क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनेगा तो बस स्टेट से रिलेटेड बनेगा, बाकी थोड़ी बेसिक सी डिटेल्स बस आपको बता होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट।